motherfucking neck drop. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है शिवराज और आप देख रहे हैं ऐसा व्लॉग। आधे किलोमीटर रह गए हैं बाबा के दर्शन पे। लाइन इतनी लंबी है, इतने पास से चल रहा है हेलीकॉप्टर। स्वर्ग से हवा आती है यहाँ पे, तो सच में ये यार वो बात, क्योंकि उस तरफ धूप है, उस तरफ बादल है और मेरे पीछे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब सामने से हवा ठंडी ठंडी। घर पे कैंपिंग लेके आते तो भाई घोड़ा वोड़ा कर लेना या खच्चर कर लेना, वरना बैग लगेज लेके मत आना भाई कंधे पे डाल के। बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है मंदिर से, क्या बताऊं मैं आपको, 2000 के आसपास लोग लाइन में। आप लोग लाइन देख के घबरा रहे हो तो लाइन देख के घबराने की कोई बात नहीं है, दर्शन जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्योंकि लाइन ना बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। 2013 तक ना वो वाला रास्ता यूज़ करते थे, उसकी वजह वो डिजास्टर आया 2013 जून में, तो उसके बाद से वो रास्ता पूरा टूट गया, ख़राब हो गया। काफ़ी लोगों की जान गई थी बट मंदिर को कुछ नहीं हुआ, मंदिर बच गया था, बाकी सारी चीज़ें डिजास्टर में नष्ट हो गई थी और काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। उसके बाद से दूसरा रास्ता बनाया, थोड़ा सा लंबा रास्ता बनाया, बाकी वो वाला जो रास्ता था वो थोड़ा शॉर्टकट था। अभी क्या है ना, हमारे पास तीनों के पास बड़े बड़े बैग हैं, तो मानिक को हमने लगा दिया लाइन में, शिवा और मैं यहाँ बैठे हुए हैं बैग के साथ, और जब दर्शन होंगे तो तीनों एक साथ कर लेंगे, क्योंकि देखो बैग ना हर बार बार लेके इतनी बड़ी लाइन में लगना तो समझदारी नहीं है, तो हमने थोड़ा समझदारी दिखाया, थोड़ा सा दिमाग चलाया, तो मैं और शिवा यहाँ पे बैग लेके बैठे हैं क्योंकि बैग है बहुत भारी भारी, 6 बैग है टोटल हमारे पास, तो मानिक को लगा दिया लाइन में। जैसे दर्शन के आसपास आएंगे वहाँ मिल जाएंगे। 10 बजे लाइन में लगे थे और अभी बज रहे 11, तो काफ़ी आगे आ चुके हैं हम लाइन में, और कुछ ही और मतलब आधा घंटा और लगेगा, उसके बाद हमारे दर्शन हो जाएंगे बाबा के। ड्रीम था कि यार केदारनाथ बाबा के दर्शन चाहिए, वो सपना मेरा पूरा हो गया, और एक विश और है अपनी, वो जब पूरी होगी वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कभी जब पूरी हो जाएगी तो मैं दोबारा आऊँगा। कपाट जो है वो खुल चुके हैं और जिसे दर्शन करने कर लें, आप लोगों के लिए विश मांगूंगा बाबा आप लोगों को खुशियाँ दे, बहुत सारी खुशियाँ दे आप लोगों को। ये लोगों की भीड़ है, भीड़ बहुत है, हमारे तो दर्शन हो चुके हैं और अभी बारिश आ गई है। फाइनली बाबा के दर्शन हो चुके हैं और हमने जो किया था वो 12 से 1 बजे का स्लॉट में दर्शन किए थे। ये जो पीछे है वो भीमशिला है, आपने सुना भी होगा जब आपदा आई थी जिसके वजह से मंदिर बचा था, तो ये वो है, इनकी पूजा की जाती है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने कैंपिंग कर रखा है। ये है शिवा और इसमें मानिक रहेंगे, इस वाले टेंट में ये कैंपिंग करी है, तो इस वाले टेंट में मैं रहूँगा अकेले। हम जस्ट मंदिर के पीछे ही ना हमने बैक साइड पर कैंपिंग कर रखा है, शिवा और मानिक उस वाले कैंप में रहेंगे, इस वाले कैंप में मैं अकेला रहूँगा। दर्शन तो हमने कर लिया है बट बारिश में कंटिन्यूसली हो रही है, तो मतलब फोटो वोटो खिंचाने का बिल्कुल भी ना वो मौका नहीं मिल पा रहा यार, तो कोशिश करेंगे अगर रात को ठीक हो जाता है मौसम तो डालेंगे थोड़ी फोटो वोटो भी इंस्टाग्राम में। ये है मंदिर, मंदिर के जस्ट बैक पे ही हमने कैंपिंग कर रखी है, टेंट लगा लिया, बाकी यहाँ पे देखा जाओ तो अब होटल भी है और लोगों की भीड़। पीने के लिए ना हम पानी गर्म कर रहे हैं और वो अपना सेटअप है, बगल में हमने ईंट इसलिए रखे कि पत्थर इसलिए रख रखे हैं ताकि हवा हवा बहुत तेज़ चल रही है, इस वजह से बगल में पत्थर रख रखे हैं, ताकि उसमें पानी है केटली में। कल हमने सूप बनाया था और आज इसमें पानी गर्म कर रहे हैं। लास्ट हमारा डिनर होने वाला है कैंपिंग का, और टेंट में जो डिनर बनाया हमने उसमें है दाल मखनी, ये दाल मखनी है रेडी टू ईट है, और ये है पनीर की सब्ज़ी, ये रोटी हम खरीद के लेके आए थे क्योंकि रोटी बनाने का कोई साधन था नहीं और कुछ मिल भी नहीं रहा था। तो ये हमारा आखिरी दिन था और आज हम पैकिंग वैकिंग करके यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 7 और बहुत ही अच्छा वेदर हुआ पड़ा, थोड़ी धूप है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो अगर आप लोग आने की सोच रहे हो तो आ सकते हो आप, भीड़ भी इतनी नहीं है। देखो मंदिर है तो जैसे वैसे लोग आएंगे तो थोड़ी बहुत भीड़ रहती है, इतनी भीड़ नहीं है बट आ सकते हो आप, और ठंड बहुत रहती है तो जैकेट वगैरह आप लेके जरूर आना यहाँ पे, और दूसरी चीज़ थोड़ा सा बजट बना के आना क्योंकि यहाँ पे
थोड़ी चीजें एक्सपेंसिव है, कैंपिंग करना चाहते हैं, टेंट वगैरह लेके आना चाहते हैं तो आप टेंट भी लेके आ सकते हैं और रेडी टू ईट फूड लेके आ जाओ अपना और बना के खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना खाना एक्सपेंसिव है। कहीं भी आप कैंपिंग कर सकते हो, कैंपिंग की बहुत सारी जगह है, सुविधा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। अगर आप खरीदते हो कैंपिंग एक दिन का रेंट पे तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन उसका रेंट 1000 रुपीज़ है। आप आइए, धाम खुले हुए हैं, आके दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आके सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। काफी दिन से सोच रहा था आने की, बट आ नहीं पा रहा था, बाबा ने आखिरकार बुला ही लिया। बहुत पवित्र जगह है, सुंदरता है, सुकून है, शांति है, सारी परेशानी सारी तकलीफें सारी दूर हो जाएगी जब आप यहाँ पे आओगे। ऐसा लग रहा है यार लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। फाइनली बाबा को अलविदा कहने का समय आ चुका है और 3 दिन हो गए हैं हमें यहाँ पे स्टे करे हुए। टेंट पे स्टे किया था हमने और तो अभी मन तो नहीं कर रहा जाने का, बाकी हमारी जो पैकिंग है वो हो चुकी है ऑलमोस्ट, अब यहाँ से निकल रहे हैं 5-10 मिनट में। दर्शन हमारे कल ही हो गए थे। ये रहे हमारे केदार बाबा और मैंने सबके लिए विश मांग ली है। वैसे जाने का मन नहीं कर रहा लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना, घर वाले भी वेट कर रहे हैं, उनको भी प्रसाद देना है। तो जैसे मैं आया था वैसे वैसे ही जाऊंगा मैं यहाँ से। यहाँ पे ना आपको स्लॉटिंग दी जाएगी, जैसे कि दर्शन एक एक घंटे के जो दर्शन होते हैं आपको 11 से 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, तो ऐसे स्लॉटिंग दी जाएगी आपको और उतने ही लोग वहाँ पे दर्शन कर पाएंगे जितने लोगों के हाथ में टोकन होगा। एटीएम पेटीएम के भरोसे भी मत आना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एटीएम ऑनलाइन करोगे ना 10% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है पेमेंट के लिए। और कोशिश करना कि आओ तो कैश ही लेके आओ, अगर पैदल यात्रा कर रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो तो भाई इस किस्म के अगर बैग हैं आपके पास, इतने सारे बैग, इतने बड़े बड़े बैग हैं, कैंपिंग बैग्स, टेंट वगैरह आपके पास, तो क्या सजेस्ट करेगा तुम? मैं तो यार यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कैंपिंग के लिए आ रहे हो तो उस केस में इतने बड़े बड़े बैग को खुद ना लाद के लाए, और जो पिट्ठू वाले आ रहे हैं उनको दे दो और शेयर कर लेना जो भी आपके साथ आ रहे हैं, ताकि उनकी भी मदद हो जाएगी पिट्ठू वाले की और अपनी भी हेल्प हो जाएगी, वेट लेस हो जाएगा। हाँ तो आप लोग ना बैग लेके भाई ऊपर चढ़ाई मत करना, बहुत टफ हो जाती है चढ़ाई, और वैसे भी चढ़ाई ना सीधी है तो थोड़ा टफ हो जाता है, तो बैग वैग के साथ आओगे तो भाई पिट्टू कर लेना या घोड़े कच्चर कर लेना। तो क्या ले भैया? बढ़िया, जय केदार सेवा भाई। जय केदार बाबा। तो भैया पहला तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम है माटू रावत। माटू रावत है भैया का नाम। तो अगर आपको किसी को कैंपिंग वैम्पिंग की जरूरत पड़ी है तो आप अवेलेबल करवा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल भैया। थोड़ा सा तेज बोलो। ऑनलाइन भी बुकिंग आती है तो हम कर लेते हैं। अच्छा, इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है? हाँ, फोन वगैरह से हो जाती है। अच्छा, अगर आपको फोन करे तो उसे ऑनलाइन पहले बुक करके आ सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। अगर कॉन्टेक्ट के दर्जे भी कोई हमसे अगर करना चाहे ऑनलाइन बुक कर सकता है वो अपने लिए। अच्छा, मतलब आने से पहले अगर कॉन्टेक्ट करके बुक करना चाहता है तो पहले प्री बुकिंग कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसे हाफ एडवांस देना होगा। और अगर बुकिंग के बिना अगर कोई आता है आपके पास तो अभी मिल जाएगा ना? हाँ, पर उसे ये करना होगा कि कन्फर्मेशन की मैं उस दिन आ रहा हूँ। अच्छा, कन्फर्मेशन होनी चाहिए। देखो आ रहा हूँ, पता चला हमने उनको बोल दिया और वो आए नहीं तो फिर हमारे खाली रह जाएगा। खाली रह जाएगा, नुकसान हो जाएगा इनको। तो पर डे का चार्ज क्या रहता है? पर डे का चार्ज देखो ये तो अप डाउन होता रहता है। अच्छा, अप डाउन सीजन पे डिपेंड करता है। अच्छा। मैं आपको बोला इनके नॉर्मल जो प्राइस है 2%, 4% की, 2% वाले की है 1000, ठीक है, 2% वाले की 2000, लेकिन जैसा अगर यात्रा बढ़ जाती है तो इनके रेट भी बढ़ जाते हैं, मार्केट अप डाउन होता रहता है। अच्छा, अप डाउन होता है, जैसे जैसे यहाँ पे पब्लिक सीजन आता है तो सीजन के हिसाब से रेट अप डाउन होता चलता रहता है। अगर आप सितंबर अक्टूबर नवंबर में आए तो तब तो बहुत कम रहते हैं रेट, सितंबर अक्टूबर, लेकिन मई और जून जुलाई में हाई रेट रहते हैं, ये सीजन होता है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये मैं आपको व्हाट्सएप पे वो कर लूंगा, बता दूंगा। बाकी भैया के मैं जो नंबर है ना वो स्क्रीन में भी दे दिया है, आ रहा होगा स्क्रीन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। तो भैया अगर आपका कैंप और मंदिर से कितनी दूरी है? भैया हमारा कैंप जो है मंदिर से 1.5 किलोमीटर नीचे है, ठीक है। दूसरी बात है घोड़ा पड़ाव से आपको 100 मीटर ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा, और आप हमें कॉल कर लो या हमारे नवीन दावत टेंट के नाम से आप किसी को भी पता कर ले, वो आपको हमें मिला देगा तो आप हमसे मिल सकते हैं। अच्छा अच्छा, नवीन दावत टेंट, ठीक है भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी चीजें बताई। और भाई जिसको भी कांटेक्ट करना हो तो भाई का नंबर मैंने दे दिया, स्क्रीन में आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कांटेक्ट कर लेना। प्री बुकिंग चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और लेकिन भाई अगर प्री बुकिंग करते हो तो भाई कंफर्म बुकिंग रहनी चाहिए, क्योंकि भैया का नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर आप एकदम ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो बुकिंग आके एट अ टाइम,
तो भैया का नंबर है, कॉल करके पूछ लेना, पता कर लेना। और प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा क्योंकि सीजन के वाइज, सीजन के बेस पे चलता है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ठीक है भैया, थैंक यू। ओके, अभी हम रामबाड़ तक पहुँच चुके हैं और ये चढ़ाई देखो यूं zigzag करते हुए जा रही है। लेकिन हमें जाते वक्त तो पता नहीं था ये रास्ता, आते वक्त पता था शॉर्टकट, वो शॉर्टकट हम वहाँ से एकदम सीधे घूम के हम हेलीपैड के पास आ चुके हैं। तो हमें मुश्किल से ऊपर से एक 11 बजे निकले थे, 2 बज गए, नीचे आ गए हम। और यहाँ से गौरीकुंड 2.5 किलोमीटर रह गया है बस, और उसके बाद देखेंगे वहाँ से कैब अगर मिलती है तो कैब करेंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम हैं हरिद्वार में। कैशलेस हो चुके हैं और अभी कैश बिल्कुल भी नहीं है अपने पास। हरिद्वार में ना यार टूरिस्ट प्लेस तो है, और लेकिन यहाँ पे ना मतलब किसी भी एटीएम में पैसे नहीं है, कोई एटीएम बंद है तो कोई किसी में पैसे नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पहले हम रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पे 2 एटीएम है, जिसमें SBI बंद पड़ा है, शटर डाउन है, और PNB दोनों मशीन खराब है, एक गत्ता डाल रखा है उसमें लिखा है नॉन वर्केबल करके। और फिर थोड़ा आगे आए एक और SBI का, वो भी शटर गिरा हुआ है। फिर एक अंदर आए वहीं पर ही, वहाँ पे देखा यूको बैंक का, वहाँ पे कैश नहीं है। तो ऐसे ना भटके, टूरिस्ट प्लेस है ये, टूरिस्ट प्लेस में कभी भी ऐसे नहीं होनी चाहिए यार। देखो हम कैश लेके गए थे, हमें पता था कैश की बहुत जरूरत पड़ी है, क्योंकि सारा कैश खत्म हो गया और अब बचा है कुछ नहीं था। तो ऐसे भी नहीं कर सकते हम बल्क में कैश लेकर चले 10,000-20,000। ज्यादा कैश लेके भी जाना ठीक नहीं है ना अपने लिए, प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी। मैं बस में ना प्रसाद भूल गया था, बीच रास्ते में उतर गया था तो वहाँ प्रसाद भूल गया मैं अपना। और अभी आया हूँ किसी से लिफ्ट मांग के जल्दीबाजी में, कश्मीरी गेट आया हूँ दोबारे बस अड्डा, इंक्वायरी रूम से पता किया था मैंने, तो वो बस अभी आई नहीं है और अभी वेट कर रहा हूँ, अगर बस आएगी तो प्रसाद मिल जाएगा। तो यार जिसके लिए मैं इतनी दूर गया हूँ यार, उसे कैसे छोड़ सकता हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं यार। वेट कर रहा हूँ अगर बस आती है, अगर मिल जाएगा बस में ही पड़ा हुआ है प्रसाद, तो सारा सामान तो ले लिया था, प्रसाद रह गया था। अब देखते हो बस का वेट कर रहा हूँ कब आती है बस। इतनी परेशानी झेलने के बाद फाइनली प्रसाद मिल चुका है और ये रहा मेरा प्रसाद। काफ़ी देर वेट किया, पता नहीं बस मेरे से पहले निकल चुकी थी और 15-20 मिनट बाद तो मैं आया था। अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, मैं मेट्रो से जाऊँगा क्योंकि कैब बुक के लिए बहुत टाइम लगेगा और ट्रैफिक भी बाहर बहुत ज़्यादा हो रहा, तो मैं मेट्रो से निकल रहा हूँ, फटाफट से घर जाना है। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, अब जब सामान के लिए इतना वेट किया, सामान मिल भी गया तो मेट्रो में अलाउ नहीं कर रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे पास जो बैग है ना उसके अंदर टूल किट है और टूल किट में जो एक्स है एंड देन नाइफ है, वो उसकी वजह से ना मेरे को मेट्रो में अलाउ नहीं कर रहे। तो कोई नहीं, देखता हूँ मैं कैब वगैरह बुक करके ही जाऊँगा। मैं अभी कैब का वेट कर रहा हूँ कश्मीरी गेट मेट्रो के नीचे, गेट नंबर 7 के नीचे वेट कर रहा हूँ, कैब बुक करी है क्योंकि यार कोई और साधन मिल नहीं रहा था, ओला से ज़्यादा दिखा रहा था प्राइस, तो ऐसे में सोचा ऊबर से कर दूँ, ऊबर थोड़ा सा सही दिखा रहा है तो ठीक लगा मुझे ऊबर। और अभी चल रहा है घर पे और करते हैं बाकी सारी बातें घर पे जाके। फाइनली मैं दिल्ली आ चुका हूँ और इस टाइम मैं एक पार्क में बैठा हूँ अपने घर के पास। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए वॉइस साफ नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। गर्मी बहुत है दिल्ली में, वहाँ पे ठंड थी और यहाँ पे गर्मी है, तो इस वजह से ठंडा गर्म हो गया, मौसम चेंज हो गया, तो इस वजह से थोड़ी सी तबीयत ठीक भी नहीं है। मैं दिल्ली से केदारनाथ धाम तक गया और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली से लेकर केदारनाथ धाम तक कैसा रहा। आप लोग में से कोई भी केदारनाथ जाना चाहता है, ऑल ओवर इंडिया में से कहीं से भी आप अगर आते हो, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन पास नहीं है तो भाई मत आना, अलाउ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। काफ़ी लोगों के पास रजिस्ट्रेशन पास था, उसके बावजूद भी वो लोग वापस जा रहे थे क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन पास में ना डेट गलत थी। वो सोच रहे थे कि रजिस्ट्रेशन पास चेक नहीं होगा, ऐसे देख लेंगे फ़ोन में देख लेंगे छोड़ देंगे। वहाँ पे ना हर एक बंदे का रजिस्ट्रेशन पास स्कैन हो रहा था और उनकी डेट पकड़ी जा रही थी, एक्चुअल जो डेट थी वो गलत थी उनकी, उस वजह से इतनी दूर से यहाँ तक आने के बाद वो वापस रिटर्न कर रहे थे उन लोगों को। तो बड़े अफसोस की बात है यार, ये सब चीज़ें मत करो। जब मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी वहाँ से, मैंने ट्रैकिंग आपने देखा ही होगा वीडियो में, मैंने पैदल यात्रा शुरू करी थी और मैं आया भी पैदल ही था वहाँ से। जब मैं लाइन में लगा दर्शन के लिए, हम लग गए थे ऑलमोस्ट 9-10 बजे करीब हम लाइन में लग गए थे, लाइन सही चल रही थी, उसके बाद सारा मैटर वहीं से स्टार्ट होता है। दूसरी लाइन लगने के बाद इतने लड़ाई झगड़े हुए वहाँ पे, पुलिस प्रशासन को कोई मतलब नहीं। जब हम पुलिस वाले से बोल रहे कि सर दूसरी लाइन लगी पड़ी है उसको हटाओ, हम सुबह से यहाँ लाइन में लगे पड़े, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो साफ कह रहे कि मेरी कोई ड्यूटी नहीं है यहाँ पे, मैं नहीं करूँगा ये सब चीज़ें, आप लोग ही देखें। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा, एक पुलिस वाले के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अभी तक। मैं लाइन में लगा हुआ था, उसके बाद एक मेरे बगल में जो दूसरी लाइन थी उसमें
एक सीनियर सिटीजन थे, काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन जो चारधाम यात्रा कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा, वो सारी ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन ही हैं जो चारधाम की यात्रा कर रहे हैं। एक लेडी थी सीनियर सिटीजन की, बहुत ही ज़्यादा उनकी एज होगी। पहले आप एक क्लिप देखें, फिर आप बताना मुझे इनकी एज क्या होगी। आपको पता चल गया होगा इनकी, मेरे हिसाब से तो 70 प्लस ही होनी चाहिए। बाकी आप बता देना जो भी आइडिया होगा कमेंट करके कितनी एज होगी। इनके साथ जो हुआ ना, उस पुलिस वाले से मैं आज तक और अभी तक गुस्सा हूँ। ये जो लेडी थी ये लाइन में लगी हुई थी, तो किसी ने बोला ये लेडी जो है ना उसकी लाइन में, तो पुलिस वाला आता है, वो भी जवान लड़का था यार, यूथ था, 25-26 साल का ही होगा, मेरे जैसे था वो पुलिस वाला भी। उसने इन लेडी का हाथ पकड़ा, दोनों हाथ पकड़े और यूँ घुमा के फेंका पीछे। उस लेडी थी पीछे जाके गिरी, और इस उम्र में यार तुम इतना उठा के फेंक रहे हो तो बहुत गलत चीज़ है। और जब इनके साथ बहुत सारे ऐसे लेडीज़ थी, तो वो उन्हें उठाने गई, उन्हें भी धक्का मारने लग गया। तो जब मैंने देखा ये हादसा और मैं लाइन में से हटा और मैं लेडी को उठाने गया, और जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये आपकी गलत बात है, आप एज देखिए, तो उस बंदे ने यानी कि उस पुलिस वाले ने मुझे भी धक्का मार के नीचे गिरा दिया। फिर जब मेरी लाइन में से दूसरा एक बंदा आता है मेरे पीछे कि भाई आप क्या कर रहे हो ये सब चीज़ें, तो उसको भी धक्का मार के उसे भी नीचे गिरा दिया उसने। तो दो तीन बंदे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया पुलिस वाले के साथ। तो भाई बहुत गंदा पुलिस वाला था वो, बहुत ही बेकार पुलिस वाला था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना गुस्सा इसलिए नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे को धकेला यार, मैं तो भूल गया वो चीज़, मैंने कुछ बोला भी नहीं। चलो ठीक है, मेरे को धकेला उसने, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ वाले को धकेला, वो भी कोई दिक्कत नहीं। बट आप उस लेडी की एज तो देखो यार, एटलीस्ट क्या एज है यार, उनको तुम उठा के दोनों हाथ से फेंक रहे हो यार। बहुत गलत लगा मुझे वहाँ का पुलिस प्रशासन। सीनियर सिटीजन के लिए कोई सुविधा नहीं थी, खाने का कोई फ्री साधन मिल रहा था और नहीं रहने का कोई साधन मिल रहा था उन्हें, जहाँ भी देख रहा था मैं, बस इतनी ठंड हो रही थी वहाँ बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ गलत लगी, वहाँ की मैनेजमेंट को देखना चाहिए और वहाँ की गवर्नमेंट को भी ये देखनी चाहिए। व्यवस्था कोई नहीं है, न बाथरूम है, न पानी है, न कहीं कुछ हम ले सकते हैं, ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है। ट्रेन सेंटर भी नहीं है, एक एक किलोमीटर मतलब कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में एक शेल्टर आता है, वो छोटा सा आता है जिसमें अगर 20 आदमी आ जाए तो कोई नहीं होगा उसके बीच में। बूढ़े वाले का बिहेव तो क्या बताऊँ यार, नेक्स्ट लेवल पे था, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहते वो। हम यहाँ पर यात्रा करने आए हैं, तो हम जो कि व्यवस्था हुई नहीं घोड़े की, तो हम पैदल आ रहे थे, तो कई जगहों पे जो है घोड़े वालों ने चार चार लेने जाती हैं, दो तो माना चलो एक जा रहा एक आ रहा, पर बीच में दो दो और घुसड़ते हैं। कई बेचारे बुजुर्ग जो हैं कि धक्के मार के उधर गिर जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। दो तीन बारी तो मैंने उनको उठाया, तो कई बारी हमें भी मारा, मैंने कहा भाई आराम से जाओ, तो वो तो लड़ने को पड़ते हैं, ले जी जाना ही नहीं जाना, कोई सिस्टम नहीं है उनका। ये अभी भी देखो तुम आ रहे होंगे जा रहे होंगे, कोई वो नहीं है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि जिला प्रशासन से निवेदन है, सुचारू लोग से उनकी जगह जगह पे जो है कि उनको चेकिंग हो जाए, भाई कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, कहीं क्या कर रहे हैं, वहाँ से पर्ची लेके यहाँ आ रहा है, जिसकी ड्यूटी है दोबारा जा रहा है, बीच में से जा रहा है। तो ये नहीं है कि सिस्टम से कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी है। जैसे शौचालय की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं है, उनकी कोई देख रेख नहीं है, गंदगी है बहुत, कोई देख रेख नहीं है। इतनी लेडीजों को धक्का मार रहे, घोड़े को लात मार रहे इतनी तेज तेज की, खच्चरों को लात मार रहे। 3 खच्चर तो मैंने अपने आंखों के सामने मरे हुए देखे थे, और एक खच्चर को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा था मैंने। सीनियर जो सिटीजन्स थे वो लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, पैदल ही आ रहे थे और पैदल ही जा रहे थे। जो हम जैसे यूथ हैं, अगर आपको मेडिकल इशू है तो समझ आती है कि आप खच्चर घोड़े हेलीकॉप्टर ये सब चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन आप मंदिर आए और पैदल यात्रा नहीं करोगे तो यार किस चीज़ की मन्नत मांगी आपने। मैंने नहीं कह रहा कि मैं पैदल गया तो आप लोग भी पैदल आओ, बट आप इस टाइम यंग हो यार, इस चीज़ को समझो, चलना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों के सामने बहुत सारे खच्चर मर रहे थे, आप लोग भी देख रहे थे, रुक रुक के देख रहे हो खच्चर मर रहे हैं, आपको मेडिकल इशू है कुछ है तो आप जा सकते हो, खच्चर से कोई मना नहीं है, बट खच्चर होगा यार यूज़ मत करो। आप देख रहे हो यार अपने आंखों के सामने कितने खच्चर मर रहे हैं वहाँ पे, एनिमल अब्यूज़ मत करो यार बिल्कुल भी। हेलीपैड आपको 1 से 1.5 महीने पहले ही बुक करना पड़ेगा, तभी आप उसका यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन की टिकट काफ़ी महंगी है। अगर आप केदारनाथ धाम आना चाहते हैं बिना बजट के मत आना भाई, कुछ चीज़ें वहाँ पे कुछ क्या सारी चीज़ें ही एक्सपेंसिव है, होटल भी एक्सपेंसिव है, खाना भी एक्सपेंसिव है, हर चीज़ वहाँ पे एक्सपेंसिव है। तो भाई बजट थोड़ा बना के आना, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो और भी अच्छा बजट बना के आना, ताकि कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और ATM दोनों के भरोसे मत आना, वहाँ पे चलते नहीं है, कैश ही लेके आना। मैं इस वीडियो में हेट नहीं फैला रहा हूँ गाइस, जो मुझे वहाँ जाके एक्सपीरियंस मिला मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताना कमेंट करके, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना शेयर करना, चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।